तो आपको बताते चले, दिल्ली में करवट बदल रही है उत्तराखंड की सियासत। जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार सियासी भूचाल आया हुआ है, और यह माना जा रहा है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले ही बीजेपी अपना सीएम जो चेहरा है वो बदल सकती है। यहां पर आपको बताते चले, सबसे पहले हरीश रावत ने ये कहा था कि जिस तरीके से बीजेपी में अंदरूनी कलह मची हुई है और कई बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो बीजेपी के आलाकमान जो नेता हैं उनसे नाराज हैं। लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीएम त्रिवेंद्र रावत जो हैं वो सुनते ही नहीं है, जो विधायक है उनकी परेशानियां सुनते ही नहीं है। जनता की समस्याएं जब अब वो विधायक लेकर के जाते हैं सीएम साहब के पास में, तो उनकी जो समस्याएं हैं वो सुनते ही नहीं है, और इसके साथ साथ केंद्र तक भी ये बातें नहीं पहुंच पाती हैं। जिसके बाद एक नोट लिखा गया था, आपको बताते चले, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि बहुत ही जल्द, मतलब जिस तरीके से आज दिल्ली में बैठक चल रही है, तो माना यह जा रहा है कि 2022 में जो उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां भी इस चुनाव में सक्रिय हो चुकी हैं। चाहे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, या फिर बीजेपी की बात करें, जहां बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आना चाहेगी, तो वहीं अब दिल्ली से अपने बाहर पैर पसार रही आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं उनकी सरकार बन जाए। अब आपको बताते चले, कांग्रेस इस पूरे मामले पर हमलावर हो चुकी है। हरीश रावत ने कहा कि देखिए, सबसे पहले त्रिवेंद्र जो है उनका चेहरा बदल दिया जाएगा सीएम पद के लिए। जिस तरीके से लोग नाराज हो रहे हैं, विधायक नाराज हो रहे हैं त्रिवेंद्र से, तो माना यह जा रहा है कि बीजेपी चेहरा बदल सकती है, क्योंकि विधायकों के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव 2020 त्रिवेंद्र के चेहरे के ऊपर लड़ा जाएगा तो वो साथ नहीं देंगे पार्टी का। चलिए, उत्तराखंड में मचे सियासी बवाल के बीच में चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं विमल सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता हैं रत्नेश कुमार मिश्रा, और इसके साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जुड़ चुके हैं। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आरा न्यूज पर। सबसे पहले संदीप त्रिपाठी, आपके पास आना चाहूंगी। हरीश रावत तो दूरदृष्टिता की दाद देनी पड़ेगी, पहले ही पता चल गया कि सीएम का चेहरा बदलने वाला है उत्तराखंड में। देखिए, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पहली बात तो आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया संदीप जी। पहली बात तो जैसे अभी आपने कहा दूरदर्शिता की बात, तो हरीश रावत जी कांग्रेस के मंझे हुए नेता हैं और बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, और जिस तरीके से ये भाजपा का इतिहास रहा है उत्तराखंड में वो बताने की जरूरत नहीं है। वो अल्टीमेटली वो होना ही था, वो सबको पता है। और दूसरी बात, जब आप किस एक हमारे यहाँ तो ये आप कयास लगा रहे हैं या फिर पहले ही भविष्यवाणी कर दी आपने? नहीं नहीं सुन लीजिए, भविष्यवाणी नहीं, एक एक कहावत है हमारे यहाँ, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। तो जब आप दूसरे की पार्टी को तोड़ते हैं, पैसों के दम पर मोड़ते हैं, लाला देकर अपनी पार्टी में लाते हैं, तो वो जिस चीज के लिए, वो जनता की सेवा के लिए आपके पास नहीं गए, वो जो गए हैं वो जाहिर सी बात है उनकी कोई महत्वाकांक्षा रही होगी। जब उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं होगी तो चाहे त्रिवेंद्र रावत जी हो, चाहे विजय बहुगुणा जोशी जी को बना दीजिए, विजय बहुगुणा जी को, या सतपाल महाराज को, या अनिल बलूनी जी को, और विजय बहुगुणा जी तो अभी तक कांग्रेस में परेशान थे। संदीप जी, बड़ी खटास है आपके अंदर, पुंडुचेरी याद आ गया क्या? नहीं नहीं पांडचेरी क्यों याद आ जाएगा, पांडचेरी में उन्होंने, ये पांडचेरी क्या, अगर आप कहेंगे तो मध्य प्रदेश आप देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, आप जो है राजस्थान में इस तरह किस तरीके से कोशिश की गई वो देख लीजिए। तो ये भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है, ये आने वाले समय में आपको हर राज्य में चाल चरित्र कैसा है बीजेपी का, ये विमल जी से ही पूछ लेते हैं। विमल जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मतलब 2022 में चुनाव होने वाले थे, उसका तो इंतजार कर लेते, अगर अटकलें जो चल रही हैं सियासी राजनीतिक गलियारों में, अगर उनकी माने तो सीएम ही बदल रहे हैं आप लोग। देखिए पल्लवी जी, एक कहावत है कि अंगूर जब खट्टा होता है ना, जब अंगूर मिलता नहीं है तो कहते हैं कि अंगूर खट्टा है। मैं बता देना चाहता हूँ, ये 2000, मैं इनको ज्यादा दिन नहीं, लगभग 3 साल पहले लेके जा रहा हूँ, 2016 की बात कर रहा हूँ, सॉरी लगभग 4 साल पहले मैं इनको लेके जा रहा हूँ, 2016 की बात कर रहा हूँ। 2016 में क्या हुआ था कि वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, उस समय मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी। हरीश रावत जी के समय में उन्हीं के, कांग्रेस की सरकार थी वहां पे, और कांग्रेस के ही 9 विधायक जो है बागी हो गए थे, और फिर वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। तो मैं एक बात कहूंगा कि देखिए अपने तो, देखिए सुन लीजिए संदीप जी, बात सुन लीजिए, आपके बीच में टोका नहीं था, सुन लीजिए, देखिए संदीप जी बात पूरी होने दीजिए, एक एक करके चर्चा से होती है, आपको उन्होंने सुना, आप उनको सुन लीजिए। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए खुद तो आपसे सरकार चल नहीं रही है,
और आप प्रहसन उड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। देखिए क्या है, बात यह है कि देश की जनता तो आपको समझ गई है। आप जो है 2017 में देश की जनता ने आपको नकार दिया, 2022 के भी चुनाव में आप जो है देश की जनता ये उत्तराखंड की जनता आपको नकारेगी। दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन अनुशासन पार्टी है, संवेदनशील पार्टी है। इस पार्टी में एक ऐसी खासियत है कि एक कार्यकर्ता जो है ना प्रधानमंत्री बन सकता है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए हमारा पार्टी का जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो हर जिले हर मंडल हर राज्य तक जो है बैठक लेते हैं, पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं। और इस तरीके की कोई बात नहीं है, हमारे जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत थे हैं और हमेशा रहेंगे, ये तो खबर मुझे जो है मीडिया के सहारे से मिला है। ऐसा कोई कलह नहीं है। कोर कमेटी की बैठक हुई थी, कोर कमेटी की बैठक में देखिए अगर कोई भी विधायक अगर नाराज होता तो विधायक अपनी आपत्ति तो जताता ना किसी प्रकार के। किसी भी विधायक का आपने बयान सुन लीजिए, आप विधानसभा में किसी तरीके का कोई बयानबाजी या टोलबाजी सुन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि आप जो बात कर रहे हैं कि बार बार ये हम लोग बदलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है बहुत मेहनत करता है, ग्राउंड लेवल पर जाके मेहनत करता है। और दूसरी चीज एक आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ संदीप जी, मनोहर पर्रिकर जी जो है देश के रक्षा मंत्री थे, जब हमारे नेतृत्व को पता चला कि हम इनको जो है राज्य में राज्य का इनको दर्जा और राज्य का नेतृत्व इनको करने को तो आप ये कहना चाहते हैं कि अभी बैठक नहीं चल रही है विमल जी? देखिए बैठक तो देखिए मैं बैठक का मतलब ये नहीं होता है कि भाई आप जो है देखिए जो जो हमारे पास जानकारी विमल जी वो यही है कि असंतुष्ट मंत्रियों ने विधायकों ने परेशान होकर, एक मिनट संदीप त्रिपाठी जी, जून माह के अंत उस दरमियान ये सोचा था कि आप लोगों को सामूहिक त्याग पत्र दे देना है, मतलब कि अपने पद से ही वो लोग रिजाइन दे देंगे जाकर के। तब आप लोगों को होश आया, सुनिए मेरी बात पहले, तब आप लोगों को होश आया कि नहीं आप लोगों को ध्यान देना है उधर भी जाकर के। देखिए पल्लवी जी इस तरीके का कोई ऑथेंटिक मैसेज आप दिखा दीजिए हमें। आप कोर कमेटी की बैठक नहीं चल रही है, कोई आप मीडिया का आप बोल दीजिए बैठक नहीं चल रही है, मीडिया के आप बोल दीजिए बैठक नहीं चल रही है। देखिए बैठक बैठक चलने का मतलब ये थोड़ी ना होता, अभी प्रदेश की बैठक चल के आई है, अभी कोर कमेटी की बैठक चल रही है तो उसका संलग्न किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो है सीएम बदलने की बात की जा रही है, ये सीएम बदलने की बात सिर्फ मीडिया वाले कर रहे हैं और विपक्ष के लोग कर रहे हैं। और इस तरीके से कोई सीएम हमारे नहीं बदला जाएगा, सीएम हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। जी हमारे भाजपा के मित्र दो तीन चीज भूल गए, अगर मैच नहीं था तो रेफरी क्यों भेजा केंद्र सरकार ने, अगर मैच नहीं था तो रेफरी किस लिए, पहली बात। और दूसरी बात, अगर डर नहीं था तो बजट प्रस्तुत करने के बाद, वित्त मंत्री भी है हमारे मुख्यमंत्री जी वहां पर, बजट प्रस्तुत करने के बाद आपने सत्र क्यों जो है भंग कर दिया, सत्र क्यों आपने आगे नहीं चलाया, क्यों आपने सत्र पर रोक लगा दी, क्योंकि आपको पता था कि वहीं पर आपकी सरकार गिर जाती। रावत जी को पता चल गया कि उनकी सरकार गिर जाएगी, वो सरकार बचाने के लिए जो है विधानसभा को रोक देते हैं, विधानसभा का सत्र रोक दिया जाता है। आप कह रहे हैं सब कुछ सर, आपको तो पता ही नहीं है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता कैसे बन गए, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा है। विधानसभा कभी भी सत्र जो है विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा चलाया जाता है, ना कि मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जाता है। उछलना शुरू कर दिए ना, देखिए कैसे उछलना शुरू कर दिए। अरे विधानसभा अध्यक्ष कौन होता है, पार्टी के ही आपके हैं नहीं तो पार्टी के। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं रत्नेश जी के पास भी जाना चाहूंगा, आप कुछ कैसी कहना बात चाहते कर हैं, रहे हैं बड़े मुश्किल आ रहे हैं रत्नेश जी, कुछ तो बहुत होंगे। वो जो डायलॉग था, एक मिनट संदीप जी वापस आऊंगी आपके पास क्योंकि मेहमान और भी हैं, जाना पड़ेगा। रत्नेश जी कुछ तो बहुत होंगे, जो डायलॉग था अगर मैं अभी बोलूं तो कोई दोहराने, आप खुश भी लग रहे हैं। और दूसरी बात कही ना कि अगर सीएम बदल जाएगा तो आपको चुनावी मुद्दा मिल जाएगा। देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्व की प्रत्येक महिला को सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देता हूं और बहुत खुशी होती है पल्लवी जी आपको देखकर, जब आप जैसे महिलाएं मीडिया के माध्यम से लोगों की आवाज बनती है और ये बताता है कि हमारे देश में महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। आपके माध्यम से मैं भारत की मातृशक्ति को नमन करता हूँ। मैं हंस इसलिए रहा था पल्लवी जी कि कांग्रेस वाले भाजपा पर आरोप लगाते हैं, भाजपा वाले कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, ठीक है भाई साहब को नहीं पता है शायद। विमल जी जी ने जो कहा, पहली बात तो एक चीज ये बता दीजिए कि जब आपका विधानसभा सत्र चल रहा है, सत्र के बीच में आखिर ऐसी कौन सी विपदा पड़ गई कि सीएम को बुला लिया गया दिल्ली, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ये कि सत्र को स्थगित करने का रिकमेंडेशन जो होता है, ठीक है, वो राज्यपाल को मुख्यमंत्री करता है और उसकी मंत्रिपरिषद करती है, ठीक है, जो हमारे यहाँ संवैधानिक प्रोसीजर है। तब तक स्थगित नहीं हो सकता क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि सत्र को बुलाता भी राज्यपाल है और स्थगित भी राज्यपाल करता है, ठीक।
अब मुझे एक चीज ये बता, सुन तो लीजिए पल्लवी जी, जब आप सुन लीजिए, पहले एक चीज ये तो बता जी। बिल्कुल, मैं आप ही को सुन रही थी क्योंकि मेरे संदीप जी के पास भी जाना, संदीप सुनिए चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं जी। बिल्कुल, और दूसरी बात पूरी करिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो INC हो, चाहे वो BJP हो, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर देश को अब तक खूब ठगा है। और जो आज कह रहे हैं ना कि प्रतिनिधिमंडल क्यों भेजा जा रहा है, अरे राजस्थान में आपने क्या भेजा था? इनके भी CM के ऊपर डिप्टी CM का आरोप लगता है कि CM साहब हमारी नहीं सुनते। राजस्थान में सबने देखा, सरकार गिरने की कंडीशन आ गई थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लंबुआ से विधायक संतोष पांडे, BJP के ही विधायक, वो विधानसभा में खूंटा गाड़ के बैठ जाते और कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं सुनते। ठीक, उनको एक किनारे कर दिया जाता है। तो इन दोनों पार्टियों के बीच में जो अहंकार है उसको उत्तराखंड की जनता समझ चुकी है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी वहां जा रही है, क्योंकि इन अहंकारियों की राजनीति को एक पार्टी केवल परिवार की सुनती है और दूसरी पार्टी केवल एक व्यक्ति की सुनती है। एक पार्टी को केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चलाती है, तो एक पार्टी को केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी चलाते हैं। ये भूल जाइए, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आप गलत बोल रहे हैं, आप एकदम गलत बोल रहे हैं नरेश जी। भारतीय जवाब दीजिए, ठीक है रत्नेश जी, रत्नेश जी कराई है, रत्नेश जी बिहारी वाजपेयी, रत्नेश जी सुन लीजिए, रत्नेश जी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी जो होता है वो राष्ट्रीय, संदीप जी आपके पास आऊंगी, बात पूरी होने दीजिए पहले, संदीप जी विमल जी बात पूरी करिए। आप जो बार बार बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले जो है राहुल गांधी, सॉरी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चलाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अमित शाह जी जो है बूथ अध्यक्ष, सुन लीजिए रत्नेश जी, सुनते तो नहीं है, इतना अगर सुनिए, इतना तेज अगर चिल्लाएंगे ना, इतना तेज अगर चिल्लाएंगे तो दिल्ली के आस पास जहाँ पे आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, एक दो सीटें आ जाएंगी। सुन लीजिए आप, अरे नहीं सुन लीजिए, सुनिए ना, अब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो होता है वो नेतृत्व करता होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है। आपके जो है आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का ही लड़का जो है दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में राहुल गांधी प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, ये परिवारवाद पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रवाद पार्टी। और राष्ट्र का कोई भी आदमी, किसी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर सकता है। संदीप त्रिपाठी जी, हमारे हमारे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं परिवारवाद के, तो BCCI के जो है कैसे बन गए हमारे अमित शाह के पुत्र जी, जरा बताएंगे। अरे अरे भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे रहा, सुनो एक मिनट अभी तक यहाँ कुछ पास ही नहीं चलेगी ना रत्नेश जी, जवाब देने दीजिए, वो सक्षम है अपनी बात पूरी करने के लिए। संदीप त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, कार्यालय भाजपा कार्यालय की दरी उठाओ, ये तो सुनो शांति से, सुनिए आप ये बताइए पंकज सिंह कौन है, आप उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, कैसे बन गए? अनुराग ठाकुर क्या है, धर्मेंद्र प्रधान क्या है, पीयूष गोयल क्या है, पंकजा मुंडे क्या है? अरे भैया, जब पहले पप्पा का नंबर आएगा तभी तो बेटक का नंबर आएगा, अभी तक जनता ने पप्पा को नंबर ही नहीं लगाया था, पापा ही चुनाव हार जाया करते थे, तो बेटे का नंबर कहाँ से लगेगा? जब पापा चुनाव जीते तो बेटे का नंबर लगा, और आज यहाँ कम से कम 50 नेता का नाम बता सकता हूँ आपको, कम से कम 100 विधायक का नाम बता सकता हूँ पूरे भारतवर्ष में BJP के जो परिवारवाद के सूचक है। तो अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, और सुन लीजिए, भाजपा तो आज जो है उधार नेता पार्टी बनकर रह गई है, पहली बात आप समझिए। विमल जी, आप इतनी मेहनत आकर TV डिबेट में कर रहे हैं, संदीप जी का मन अगर बदल जाएगा, थोड़ा सा मन बदल गया कि चलो यार थोड़ा गंगा नहा लेते हैं भाजपा में, तो आप पता है विमल जी, आप मेरे पीछे मेरे जिंदाबाद का नारा लगाते हुए मिलेंगे। आज भाजपा के कार्यकर्ताओं की औकात यह रह गई है कि कांग्रेस, बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपने सभी मेहमानों को सुना, एक मिनट संदीप त्रिपाठी जी काफी देर से जुड़े हुए हैं, एक मिनट संदीप जी, वह पार्टी हम, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गई नारेबाजी संदीप जी, हो गई नारेबाजी संदीप जी, हो गई, ठीक है। संदीप चौधरी जी, आपने सारे मेहमानों को सुना, किस ओर करवट ले रही है उत्तराखंड की सियासत, क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है, क्या CM का चेहरा बदल जाएगा?
देखिए पल्लवी जी, जिस तरीके से मेरे साथी कोई कांग्रेस की बात रख रहा है, कोई बीजेपी की, कोई आम आदमी पार्टी की, इनका दायित्व है तो ये रखेंगे। लेकिन मैं आपको इसका निष्कर्ष बता देता हूँ, हमने कांग्रेस सरकार में भी मुख्यमंत्री बदलते देखे हैं, विजय बहुगुणा जी बने, हरीश रावत जी आए, प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ी, बगावत कभी खत्म नहीं। उसके बाद हमने बीजेपी में भी इस तरीके का देखा, एक एक कार्यकाल में तीन तीन मुख्यमंत्री बदले गए। अगर मैं नारायण दत्त तिवारी जी की बात छोड़ दूं तो ज्यादातर सरकारें रही जब मुख्यमंत्री बदलने का काम लगातार चलता रहा। लेकिन पल्लवी जी, यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दो ऐसे लोग हैं, इन्होंने जिसको भी गद्दी पे बैठा दिया, चाहे वहां की सरकारें कैसी भी चली हो, कुछ भी हुआ हो, चाहे आप हरियाणा की बात ले लीजिए, चाहे आप रघुबर दास जी की झारखंड की बात ले लीजिए, कई ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनके ऊपर लोगों की, विधायकों की नाराजगी आई, लेकिन चेहरे नहीं बदले गए। तो मैं ये मानता हूं कि उत्तराखंड में जो बागी लोग हो सकते हैं, बागी विधायक हो सकते हैं, नाराज विधायक हो सकते हैं, नाराज मंत्री हो सकते हैं, उनके ऊपर बातचीत हो सकती है, उनको समझाया जा सकता है, उनको विश्वास में लिया जा सकता है। यहाँ पर दो एंगल निकल के सामने आ रहे हैं, एक ये कि मुखिया तक जनता की समस्याएं नहीं पहुंच पाती हैं और ना ही विधायकों की जो समस्याएं हैं वो पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से जो विधायक हैं वो असंतुष्ट हैं। दूसरा ये कि मंत्रिमंडल का विस्तार चाहते थे वो लोग, और जो असंतुष्ट हैं वो चाहते थे कि उस मंत्रिमंडल में वो भी सदस्य बन सके, हिस्सा ले सके और उनकी बात कम से कम उस मंत्रिमंडल में रखी जा सके, सभी लोग सुन सके, जो अभी तक नहीं हो पा रही थी। तो क्या लगता है आपको, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, कम से कम डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जा सकता है? देखिए हमने पहले ही बताया कि जो है ये सरकार, जो भाजपा की सरकार बनी और जो कांग्रेस से लोग टूट के जिसकी बात कर रहे थे, संदीप त्रिपाठी जी शांत रहिए, संदीप चौधरी जी से मेरा सवाल था, आपके पास मैं आऊंगी। जी संदीप चौधरी जी, देखिए पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में जैसा आपको दिखाई देता है कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का विस्तार कर देगा अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है। जब ऊपर से उनको हरी झंडी मिलेगी, राष्ट्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलेगी, तभी वो विस्तार करेंगे। इसका मतलब साफ है कि उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र रावत जी, उनको ऊपर से हरी झंडी नहीं मिली है, उनको अभी वो नाम नहीं मिले हैं जिनको जिम्मेदारी दी जाए, उनको ऊपर से वो इंस्ट्रक्शन नहीं मिली है। और जिस तरीके से कई नाम निकल के सामने आ रहे हैं, अनिल बलूनी जी है, देखिए अनिल बलूनी जी पहली बार राज्यसभा से सांसद बने हैं, बीच में उनकी तबियत भी ठीक नहीं थी, आपको मालूम होगा कैंसर का इलाज उन्होंने कराया है, सीएम की रेस में भी तो इनका नाम आगे चल रहा है। हाँ, उनका नाम आगे चल रहा है मीडिया में। जिस तरीके से आप सतपाल महाराज की बात कर रहे हैं, सतपाल महाराज की जो पहचान है पल्लवी जी, वो एक कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर रही है। तो ऐसा भी नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के नेता को, जिसकी पहचान कांग्रेस के नेता के तौर पर रही हो, उनकी वाइफ भी कांग्रेस की बड़ी नेता रही है, कि उनको आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सडनली मुख्यमंत्री बना दे, ऐसा देश के अंदर एक भी एग्जाम्पल नहीं है। तो मैं आपको वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके की चीजें ये, इसलिए इस तरीके के पहले से अंदाजे लगाए जा रहे हैं क्योंकि इतिहास ऐसा रहा है उत्तराखंड की राजनीति का कि चेहरे बदलते जाते रहे। इतिहास विमल जी, इतिहास ऐसा रहा है कि आपका एक भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाता, दिक्कत कहां आ जाती है आकर उत्तराखंड में? देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे नेतृत्वकर्ता जो है जिस तरीके का अगर फैसला लेते हैं, और दूसरी चीज देखिए सबको समय मिलना चाहिए, सबको कार्यकर्ता अच्छा, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सारे कार्यकर्ता जो है अपना पूरा दिन रात मेहनत करके पार्टी को आगे बढ़ाता है। हाँ। तो अगर कार्यकर्ता अगर मेहनत करता है तो उसको उसका फल जरूर मिलना चाहिए। और पार्टी जो है, अगर मान लीजिए दूसरी चीज आप बात कर रहे हैं इनकी, तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, अगर मैं 2016 की बात करूंगा, आखिर कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के ही विधायक जो हमारे ऊपर उंगली लगा रहे हैं, जो हमारे ऊपर लाक्षण लगा रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं संदीप चौधरी जी से, कि संदीप चौधरी जैसी क्या कमी आई थी कि आपके विधायक आपका साथ छोड़ दिए थे। संदीप त्रिपाठी जी की बात करूंगा। और दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा कहा है संदीप त्रिपाठी जी, कि आप गंगा नहाने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप एकदम जाइए और गंगा नहाइए, क्योंकि गंगा एकदम स्वच्छ हो चुकी है। बात बहुत अच्छी, बात बहुत अच्छी बदली आपने, सुन लीजिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि क्यों ऐसा होता है कि एक भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता, इसका जवाब मुझे नहीं मिला है, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए पल्लवी जी, ये नेतृत्व का फैसला होता है, हर कार्यकर्ता को आपने कहा मौका दिया जाता है, तो इसका मुझे याद आ रहा है। संदीप चौधरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में
चुनाव लड़ने गए थे सपा और बसपा, और क्या किया था, आधे आधे टाइम के लिए उन्होंने कहा था कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, आधे टाइम के लिए हमारा मुख्यमंत्री होगा, नहीं चल पाए तो बसपा ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। वही कुछ अब इनडायरेक्टली क्या विमल जी भी कहना चाहते हैं कि हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है, मतलब ठीक है हर कार्यकर्ता को मिलना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जनता बेवकूफ है क्या उत्तराखंड की या फिर राज्यों की जहां का मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है और जो बहुमत के साथ बिठाती है ये देख के जनता कि ये मेरा मुख्यमंत्री होगा ये मेरे सुनेगा उसको बदल दिया जाता है। इसका जवाब मैं आपको आपको मैं दे देना चाहता हूँ, मैं जवाब दे देना चाहता हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे चुनाव लड़ती है, किसी के चेहरे के नाम पे चुनाव नहीं लड़ती है। सुन लीजिए पल्लवी, संदीप चौधरी जी मुस्कुरा रहे हैं, जवाब दीजिए आप। देखिए पल्लवी जी मैं बता दूं, मैं इसलिए नहीं बोला कि इनको जल्दी रहती है बोलने की, तो इनको मौका मिलता रहना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं जिस तरीके से सपा और बसपा का गठबंधन था या दूसरे कई गठबंधन होते हैं, अभी आप महाराष्ट्र के अंदर भी गठबंधन देख रहे होंगे, कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इस तरीके की सरकारें चल रही है, हरियाणा के अंदर भी गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसी स्थिति नहीं है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार है, यहाँ पे प्रॉब्लम सीएम से है, जो अभी मौजूदा हमारे मुख्यमंत्री है नाराजगी लोगों के उनसे है, पहली बार वो मुख्यमंत्री बने हैं तो जिस तरीके की उनसे उम्मीदें थी अपेक्षाएं थी उन वो कई खरे नहीं उतरे हैं, और इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो अपने जो नेता हैं उनको भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए, ये चीजें बीच बीच में मीडिया के माध्यम से आई है, उसमें विधायक नाराज है, विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है, वही चीज उसी का एनालिसिस आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि एक साल चुनाव का रह गया है तो किसी तरीके से अपने लोगों की नाराजगी दूर की जाए, लोगों के काम किए जाए, उन सब चीजों को लेकर के ये जो पर्यवेक्षक है ये देहरादून भी गए, ये दिल्ली में भी अपनी रिपोर्टिंग दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अलर्ट हो जाना चाहती है। आपको मालूम होगा हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने भी उत्तराखंड की विजिट की थी, तो पूरा फोकस है एक साल पहले लगभग ये मान के चलिए आप चुनावों की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, लेकिन मैं इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने बनाया हो उसको बदल सकती है। ठीक है विमल जी, अब आप अपनी बात पूरी करें। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, हमारे जो है आप पल्लवी जी मैं आपका जवाब दे देना चाहता हूँ, देखिए हम जो है किसी के चेहरे पे ऊपर चुनाव नहीं लड़ते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे चुनाव लड़ती है। दूसरी चीज हम बता देना चाहते हैं, देखिए अब हम बात करेंगे, आप अभी संदीप चौधरी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, और मैं बात करूंगा कि टीएमसी आखिर टीएमसी कहाँ से आई, अब मैं बात करूंगा एनसीपी, एनसीपी कहाँ से आई, ये वही एनसीपी और यही टीएमसी के लोग हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ मंत्रिमंडल में थे और ये टूट के बाहर निकले और अपनी पार्टी बनाई, और पार्टी बनाने के बाद जो है ये लोग क्या करते हैं कि जो है कांग्रेस के सामने अपना चुनाव लड़ते हैं। तो दूसरी चीज देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो है इस प्रकार की कोई वो नहीं होती है, और हमारी पार्टी के जो है हमारी पार्टी के मान लीजिए कि जो भी पार्टी का नेतृत्व का जो भी आपने बोला कि कैसे हर बार से ऐसा होता आ रहा है कि कोई भी एक मुख्यमंत्री जो है कार्यकाल पूरा नहीं करता, तो पार्टी का ये निर्णय है, पार्टी के नेतृत्वकर्ता का निर्णय है कि वो जो है किसको बनाते हैं। और दूसरी चीज आप बोल रही हैं कि जनता यहाँ की मूर्ख है, तो जनता कहीं की मूर्ख नहीं है, जनता जनार्दन ही हमारा सब कुछ है, हमारा भगवान है, हमारा ईश्वर है, और जनता के सामने जो है हमारा जो चेहरे थे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, और मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसी कमियां हैं, अगर यानी जनता के सामने चेहरे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर हुआ क्या, आप लोगों ने बदल दिया, अब जनता भी कंफ्यूज, आपके कार्यकर्ता भी कंफ्यूज कि हम किसके लिए जाएं, जाकर कोई ऑथेंटिक बयान आपने सुना है क्या? मैं आपसे क्या कह रही हूं, पल्लवी जी कोई ऑथेंटिक बयान सुना है क्या आपने? चल तो रही है ना, कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है, मीडिया के चलाने से थोड़ी ना होता है, बिल्कुल नहीं, मीडिया के चलाने से थोड़ी चलती है। रत्नेश जी आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूं संदीप त्रिपाठी जी आप जवाब दीजिए। नेतृत्व सच्चाई यह है कि केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल सब कुछ तय करता है, लेकिन केंद्रित नेतृत्व तय अगर नहीं करता है तो दो लोगों को नहीं भेजता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आप ये समझिए कि आज जो है रावत जी सिर्फ विधायकों का जो है उन्होंने विश्वास नहीं खोया, जनता भी नाराज है। जिस तरीके से किसान आंदोलन में आप देखिए कि उत्तराखंड से बहुत सारे किसान गए, उत्तर प्रदेश से जितने किसान नहीं गए उससे ज्यादा उत्तराखंड से गए, तो यह नाराजगी जो है वो सिर्फ जो है विधायकों की नहीं है, जनता जनता भी नाराज है इस सरकार से,
और उस नाराजगी को कम करने के लिए एंटी टेंडेंसी कम करने के लिए भाजपा छटपटा रही है, उधर का रास्ता तलाश रही है, वो अपने ही नेताओं के माध्यम से रावत जी पर सवाल उठवा रहे हैं या एक गुट उठवा रहा है। तो दूसरी बात, जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति गए थे वो अपनी जो है महत्वाकांक्षी पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो कांग्रेस के साथ कर सकते हैं तो आपके साथ करने में ठीक है। ठीक है रत्नेश जी, और रही बात, ठीक है संदीप जी, रत्नेश जी अब मैम पहली बात तो मैं भाजपा के प्रवक्ता से निवेदन करूंगा कि प्लीज मुझे बीच में टोकिएगा मत, ठीक है। इनकी एक बात मुझे बहुत पसंद है, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, ठीक। तो मैं कुछ मुद्दे उठाऊंगा और मैं कुछ डेटा बताऊंगा कि उस पे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है जहां का मैं निवासी हूं वहां की सरकार ने क्या विकास किया। 2013 में अनुदेशकों की नियुक्ति हुई थी उत्तर प्रदेश में, सुन लीजिएगा, इनको 7,000 रुपए पे नियुक्ति दी गई, 8,400 रुपए बढ़ा के अखिलेश जी चले गए, अब तो उनकी सरकार चली गई। उसके बाद योगी जी आए, योगी जी ने एक उसमें कहा था, क्या कहते हैं, इटावा में एक रैली कर रहे थे तो उसमें योगी जी ने कहा कि हम अनुदेशकों की जो क्या कहते हैं सैलरी है, मानदेय जो है उसे बढ़ाकर 7,000 से 8,400 करेंगे। मामला निपट गया, दिसंबर 2018 तक 8,470 रुपये उनको मानदेय मिलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि हाई कोर्ट में मुकदमा जीते ये अनुदेशक और इनको 17,000 रुपये देने का आदेश हुआ। बाबा जी ने क्या किया 2020 में, उन्होंने इतना बड़ा विकास कर दिया अनुदेशकों का कि बेचारे कोरोना से टूटे हुए अनुदेशक, आज मैं आपको ये दिखा दूं, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, ये अपने आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हो, ये अनुदेशकों के मैसेज हैं जिन्होंने मुझे ये लिख के भेजा है कि भैया कम से कम आप एक बार तो बोल दीजिए सरकार के पास कि इन्होंने जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक 7,000 का जो मानदेय दे रहे थे वो भी काट लिया, और स्थिति यह है कि वर्तमान में लाखों अनुदेशक जो प्राइमरी विद्यालयों में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो जीव को पार्थिव को तरस रहे हैं। दूसरी बात, दूसरा बिंदु सुन लीजिए मेरा, इन्होंने 59,000 की भर्ती के बाद, मैं आपको बता दूं चूंकि मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूं तो मेरे पास बच्चों के मैसेज आए हुए हैं कि आप जाइएगा तो इस बार ये मुद्दा उठाइएगा कि नई शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह हलफनामा देके माना है कि अभी 51,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, फिर भी ये भर्ती नहीं निकालते, क्यों नहीं निकालते, क्या रोजगार देना विकास के अंतर्गत नहीं आता। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से शासन चलाते हैं, एक चीज बता दीजिए, उत्तराखंड की बात कर ले, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, देखिए पार्टी वही है मुख्यमंत्री भले अलग हो, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, बदला नहीं जा रहा ना, सुन तो लीजिए, कहावत है कि भदेली एक मटकी कहा जाता है, मटकी से एक चावल पका हुआ या नहीं उसके लिए एक ही चावल निकाल लेना जरूरी होता है, पूरा चावल नहीं पलटा जाता पल्लवी जी उसके लिए। एक प्रदेश में इनकी सरकार किस तरह चल रही है वही बता देगी बाकी जगह, क्योंकि विचारधारा और मानसिकता नहीं बदल सकती, सबको बदल सकता है। सुन लीजिए, खराब है तो आप कहेंगे सारे से खराब है, पल्लवी जी, विमल जी जवाब दीजिए, पल्लवी जी ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं विमल जी। अगर अनुदेशकों को मरने की कगार पे छोड़ देना विकास है तो भारतीय जनता पार्टी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा विकास नहीं चाहिए, ठीक है विमल जी। अब सुन लीजिए मेरी बात, जब पता है क्या है, जब अरविंद केजरीवाल जी से बात किया जाएगा ना दिल्ली का तो वो पंजाब की बात करेंगे, और जब उनसे बात किया जाएगा दिल्ली का तो बात करेंगे बंगाल का। मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए ये बोल रहे थे अभी कि विकास उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता जो है विकास को ही चुन रही है। अभी लगभग जो है 1.5-2 महीना पहले उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ था 7 सीटों पर, और उत्तर प्रदेश 6 सीटों पर, देखिए नहीं नहीं मैं उत्तराखंड पे आ रहा हूँ, मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। हमारे अभी संदीप जी बता रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाखुश हैं, किसान नाखुश हैं, किसान जो है उत्तराखंड से जो है दिल्ली आए थे, इस तरीके की बातें संदीप जी कर रहे हैं। तो मैं संदीप जी को बता देना चाहता हूँ, संदीप जी अभी कई जगह पे जो है नगर निगम का चुनाव हुआ है, कई जगह पे पंचायत का चुनाव हुआ है, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई, विजय हासिल हुई। सुनिए ना, सुनिए, सुन लीजिए अगर देश के किसान, अगर देश के किसान आपको सुन रहे हैं, देश के किसान अगर आपको सुन रहे हैं, जी एक मिनट बात पूरी होने दीजिए, कैसे वोट किए, अरे बात और बता देना चाहता हूं, आराम पंचायत का चुनाव होता है, संदीप त्रिपाठी जी, संदीप चौधरी, दोनों लोग इंतजार कर रहे हैं, प्लीज ऐसे चर्चा नहीं। विमल जी बात पूरी करिए, मुझे देखिए मैं
पूछना चाहता हूँ, जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई वोटर होता है वो होता है किसान। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से ग्राम पंचायत के चुनाव में, इसके साथ साथ जो है नगर निकाय का चुनाव हुआ गुजरात में, इसके साथ साथ नगर निकाय का चुनाव जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है पूरी दुनिया में। और देखिए बिहार में, अभी बिहार का इलेक्शन हुआ, अभी एक महीने नहीं हुए और वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बहुमत, अच्छी सीटें मिली है। तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए देश की जनता जो है लहर में घूम रही है और मोदी जी के साथ चलने के लिए तैयार है, क्योंकि देश की जनता जानती है कि वो 70 साल जो इन्होंने बर्बाद किया है ना, जिस तरीके से देश को खोखला किया है कांग्रेस वालों ने, तो देश की जनता इनको दोबारा जो है देश में सत्ता आने के लिए कभी नहीं चाहेगी। देश की जनता जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और देश की जनता हमेशा विकास 2022 में पता चल जाएगा। संदीप त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। जी अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ते हैं, मोदी जी पर आ गए, ये खुद ही कंफ्यूज है कि इनको कहना क्या है बोलना क्या है। अभी तक विकास के नाम पर लड़ रहे थे, अब मोदी जी विकास हो गए, मोदी जी को आगे कर दिया, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। आप ये बताइए हमारे मित्र, अगर आप इतना विकास किए और कह रहे हो कि किसान इतने खुश हैं, आपने चुनाव जीत लिया, अगर चुनाव जीतना ही सब कुछ था तो अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव कैसे हार गए? और अब इतने दिन तक आप चुनाव जनसंघ से लड़ रहे थे, आपको नाम तक बदलना पड़ा भारतीय जनता पार्टी हुए, तब 70 साल बाद आपका नंबर लगता है, तब आप समझिए कि आपको कितने नकारे रहे होंगे। हमारी अच्छाई रही होगी तभी हम इतने दिन शासन किए। आप जिस शासन को कह रहे हो कि 70 सालों में हमने जो है गड्ढा खोदा है, तो उस गड्ढे को क्या जनता जिता रही थी? मतलब आज की जनता बुद्धिमान है, तब की जनता अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हो, आप हमारे पिता को अपने पिता को गाली दे रहे हो, मूर्ख थे। अगर उन्होंने कांग्रेस को लगातार चुना तो क्या वो बेवकूफ थे क्या? उन्होंने काम आप बताइए, आप हमें एक एनटीपीसी पूरे भारतवर्ष में बता दीजिए, उत्तराखंड में बता दीजिए, एक जो है आप जल विद्युत परियोजना बता दीजिए जो आपने शुरू की हो और जनता को दे दिया हो, आप एक एम्स हॉस्पिटल बता दीजिए, एक बड़ा हॉस्पिटल बता दीजिए जो आपने शुरू किया हो और दे दिया हो। बीच में मत बोलिएगा, आप हमारे काम काट रहे हैं। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, ठीक है कामों का विमल जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, अभी हमारे सुनिए संदीप जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का आप विकास के बारे में बोल रहे हैं ना, तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी विकास के लेकर ही, हम लोग जो विकास के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो है विकास के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। दूसरी बात सुन लीजिए आप, हम जो है महिलाओं के लिए, हम जो है पुरुषों के लिए, हम युवाओं के लिए, हम जो है वृद्ध लोगों के लिए, हम किसानों के लिए, आप सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए सर, किया क्या है वही तो हम बता रहे हैं और किए हैं, तभी तो देश की जनता हमें बार बार जिता रही है। सुनिए ना संदीप जी, सुनने की क्षमता देखिए आपके अंदर यही है कि सुनने की क्षमता नहीं आपके अंदर। आप जब बोलते हैं मैं चुप रहता हूँ, आप डिबेट को खराब मत कीजिए, आप जब बोलते हैं मैं एकदम चुप रहता हूँ। सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुना तो रहा हूँ आपको, सुनिए, देखिए नाम बताइए। एक बात जब क्या होता है कि जब गांव, सुनिए ना सुनिए, अरे मैं सुना रहा हूँ आपको, आपको बता रहा हूँ, ठीक है, विमल जी बात पूरी करिए, अपनी बात यह है संदीप जी कि एक वृद्ध महिला अगर सुबह जगती है ना, तो सुनिए भाई, आपको बता रहा हूँ ना कि हमने क्या किया है। बात तो पूरी होने दीजिए संदीप त्रिपाठी जी, देखिए यही दिक्कत है, बात आप में दिक्कत नहीं है, आप में दिक्कत नहीं है, आपके नेतृत्वकर्ता में दिक्कत है, वो भी बहुत बड़ा बुद्धिजीवी है, इधर से सोना डालता है, इधर से आलू डालता है, उधर से सोना निकालता है, जनता की बात को नहीं सुनता है। और जहां भी चुनाव लड़ता है ना, जहां भी चुनाव पे जाता है वहां भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करके लाता है, तो उसके अंदर भी सुनने की क्षमता नहीं है और वही क्षमता जो है आपके अंदर भी नहीं है। सुनिए मेरी बात, सुनिए सत्ता में आए हो तो ज्यादा, सुनिए बहुत अनुभव है, बहुत अनुभव है, तो सुनिए ना, वही तो हम देख रहे हैं कितना अनुभव, सुनने की क्षमता नहीं है। सुन लीजिए, एक महिला जो है अगर सुबह जगती है तो वो महिला जो है पहले अपने शौच के लिए खेत में जाती थी और वो महिला अपने घर में शौचालय देखकर बहुत खुश होती है। इसका सेट जो है माननीय प्रधानमंत्री को जाता है कि वहाँ के हमारे घर की महिलाएं, हमारी घर की बहनें जो है, हमारी इज्जत जो है बाहर जाके शौच करता था, दिन दिन भर जो है हमारे घर की महिलाएं शौच अपना रोक कर रखती थी, रात के अंधेरे में वो शौच करने जाती थी। सुनिए दूसरी बात, हमारे देश की जो माँ बहने हैं वो खाना बनाती थी, चूल्हे पर खाना बनाती थी और उसका धुआं जो है उनके फेफड़ों में जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, संदीप चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। चर्चा थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा क्या बदल दिया जाएगा, चर्चा पता नहीं उत्तर प्रदेश पहुंची जा रही है, विकास के नाम पर पहुंची जा रही है, क्या कहेंगे आप संदीप चौधरी जी?
देखिए पल्लवी जी, बड़ी हास्यास्पद बात है, अगर आप उत्तराखंड के लोगों को नहीं बैठाएंगे डिबेट में तो आपकी डिबेट इसी तरीके से भटकती नहीं रहेगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना संदीप चौधरी जी, के ऐसे भी हो सकता है कि मुद्दे की बात करनी नहीं है, समस्याओं की बात करनी नहीं है। जैसे 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 जानकारी आपके पास भी होगी, हमारे पास भी है सूत्रों के हवाले से, कि असंतुष्ट है विधायक, तो अब उनको समझाया जा रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ लाज भी बचानी है, चाल भी चलनी है, सत्ता भी बचानी है, आगामी विधानसभा चुनाव हो जो होने वाले हैं उसमें वापस भी आना है संदीप चौधरी जी। देखिए बिल्कुल पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की ये खास बात है कि ठीक एक साल पहले वो पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देती है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने संगठन को चुनाव की तैयारी के लिए। तो ये वही तैयारी है जो अभी उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो चुकी है, उत्तराखंड में भी शुरू हो चुकी है और पंजाब में भी शुरू है। और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और पंजाब में किसान आंदोलन का असर है, तो टाइम से हम लोग अपनी चीजों को कंट्रोल करें, टाइम से संगठन के लोगों को जो नाराजगी है उसको दूर करें, टाइम से जो सरकार के लोगों में नाराजगी है, चाहे वो विधायक है, चाहे सांसद है, चाहे मंत्री है, उसको हम ठीक करें, उसको दुरुस्त करें। इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं पल्लवी जी, कि जरूरी नहीं है कि हमारे जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, उनकी शिकायत हाईकमान तक पहुंची है। आप ये भी समझ सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री है उन्होंने लिस्ट दे दी हो कि ये विधायक और ये मंत्री पार्टी से नाराज चल रहे हैं, पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो संगठन की जिम्मेदारी बनती है उनसे भी बात करे, उनकी रिपोर्ट मिले और ऊपर तक पहुंचाए। तो कुल मिलाकर ये आपसी जो सामंजस्य होता है उसको बैठाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी शुरू कर चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपनी सरकार को रिपीट करना चाहती है और मिलजुल कर पूरी मजबूती के साथ अपने चुनाव को दोबारा लड़ना चाहती है। क्योंकि उत्तराखंड की आज तक का जो इतिहास आप देखेंगे, हर 5 साल में वहां पर सरकारें बदल जाती है, चाहे किसी ने काम अच्छा किया चाहे नहीं किया, चाहे उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदले चाहे 2 मुख्यमंत्री बदले, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास बदलना चाहती है। विमल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है अपना जो भी हमारे अंदर क्या कमी है उस चीज़ को हम देखते हैं। हम जो है एक साल पहले अपना जो है कार्यकर्ताओं के साथ जो है, मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, हम लोग को जो है दिशा निर्देश किया जाता है कि सर जो है कि हमारी जो भी योजना है वो ऑथेंटिक लोगों को, जमीनी के लोगों को पहुँचना चाहिए, जो भी समस्या है लोगों की। डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे थे और वो करना पड़ेगा विमल जी। देखिए मैं बता रहा हूँ संदीप चौधरी को, तो मैं जवाब दे रहा हूँ संदीप जी को, तो मैं जवाब दे रहा हूँ, संदीप जी तो मेरी सुन नहीं रहे हैं। और दूसरी चीज बता देना चाहता हूँ कि संदीप चौधरी जी सुन रहे हैं, संदीप त्रिपाठी जी नहीं सुन रहे हैं। अच्छा जी, सरनेम का भी ध्यान रख लीजिए। हाँ, जी तो जी देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी अपना काम कर रही है और हमारे पर्यवेक्षक, देखिए हमारे पर्यवेक्षक जो है, हमारे पर्यवेक्षक जो है अभी गए हुए थे और क्या कमियां हैं, क्या चीजें हैं, उसको पार्टी जो है जल्द से जल्द दूर करने के प्रयास करेगी। जो भी लोग मतलब ऐसा अगर कुछ है कि कुछ विधायक नाखुश हैं या मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, वैसा तो अभी कोई ऑथेंटिक बयान आया नहीं है, ना किसी 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 विधायक की कोई नाराजगी हमें दिखाई दी गई है। अगर कोई अंदर अंदरूनी अगर कोई मामला है तो पार्टी उस चीज को समझा लेगी और पार्टी जो है उस तरीके से पूरे भरकम के साथ जो है 2022 का चुनाव लड़ेगी और हम चुनाव में विजय हासिल करेंगे। ठीक है रत्नेश जी, पूरी चर्चा में बड़ा मुस्कुरा रहे थे। मैम देखिए मैं वही करूंगा ना कि विमल जी मेरे भाई हैं और बड़ी खुशी होती है कि इन जैसे युवा लोग राजनीति में आ रहे हैं और मुझे इस बात का विश्वास है कि हमारे साथ एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि ये सदन में इसी तरह दहाड़ेंगे और देश के विकास में हमारे साथ योगदान देंगे। इन्होंने कहा उज्ज्वला योजना की, तो मैडम उसकी असलियत ये है कि गैस सिलेंडर 900 रुपये का आ चुका है, मेरी बात सुन लीजिएगा, और उज्ज्वला के लिए जो पात्र है मैम, उज्ज्वला के लिए जो पात्र है ना वो बीपीएल परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले परिवार हैं। उनकी जो तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट है उसने ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति 45 रुपये से कम कमा रहा है तो वो बीपीएल के अंदर आएगा। एक दिन में एक परिवार जो 45 रुपये कमाता है, आप ये जोड़ लीजिए कि वो 900 रुपये का वर्तमान में सिलेंडर कैसे भराएगा। तो उज्ज्वला अगर आप उत्तराखंड की बात करते ना तो मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा सही नहीं, देखिए प्रकृति ने कहर बरपाया था। नहीं मैं वही बात तो कर रहा हूँ, वो सारी आप उत्तराखंड की बात सुनिए, मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है वही कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उज्ज्वला योजना का वो प्रभाव जिस महत्वाकांक्षा के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी लाए थे उस महत्वाकांक्षा को प्राप्त करेगी। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी इस बात को क्यों नहीं समझ रही है कि अभी 1-1.5 महीने पहले इतनी बड़ी त्रासदी से गुजरा है उत्तराखंड, इतनी जनहानि हुई है, इतनी धनहानि हुई है, आप वहां लोगों को रिहैबिलिटेट करने के अलावा आप क्या कर रहे हैं, सरकार बचाने पे जुटे हुए हैं। अरे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आप लोगों की लाशों पर राजनीति कर रहे हैं।
सरकार वहां पर कोई कार्य नहीं कर रही है, सरकार लोगों को रिहैबिलिटेशन नहीं दे रही, जिन लोगों को, जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया, कितना नुकसान हो गया। हम और आपने वीडियो देखा है जिस तरह से अलकनंदा नदी के पानी में उफान आया था, ठीक है, लोग जत्थे के जत्थे बह गए हैं। ठीक है विमल जी, जवाब दीजिए उसको, उसको लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। देखिए इस तरीके कोई बात नहीं है, और मैं बता देना चाहूँ ये प्रकृति आपदा है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति आपदा कभी भी और कहीं भी घट सकती है, और सरकार ने उस पर पूरा काम किया। हमारे जो है एनडीआरएफ के जवान जो है पूरा उसके लिए लगे रहे, और कई लोगों को जो है बचाया भी गया। और देखिए प्राकृतिक आपदा में जो है किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि कब कैसी क्या घटनाएं घट सकती हैं, और इसमें जो है देखिए इकोलॉजिकल सुरक्षा जोन है उत्तराखंड, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है उत्तराखंड। सुनिए मेरी बात, सरकार बनाने के पहले भी पता होना चाहिए। सुनिए, अरे थोड़ा सा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी पढ़ लेते विमल जी। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए रत्न जी, सुनिए ना, सुन लीजिए, सुनिए हम बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं ना सर, जवाब दे रहे हैं, सुनिए ना, इकोलॉजिकली वहाँ पे जो है वहाँ पे डैम का कार्य किया जा रहा था, और उस समय जो है देखिए जिस तरीके से जो प्रकृति आपदा आई थी वो एक बहुत भयावह थी, और उसमें उस समय लोगों को जो है मोदी जी काहे नहीं आया। ठीक है जवाब, देखिए समय की बेहद कमी है मेरे पास, जल्दी से जवाब पूरा। उसमें जो है सरकार ने अपना बखूबी निर्वहन किया, जो भी लोग थे, जो भी लोग घायल थे उनके पास आपने देखा कि माननीय हमारे सीएम साहब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तुरंत पहुंचे थे वहां पे घटनास्थल पे, उन्होंने जाके जायजा भी लिया था, माननीय गृह मंत्री जी ने उसका वो किया था। तो मैं इसमें बात कहना चाहूंगा, देखिए इसमें सरकार को जो है, सरकार को जो है, सरकार को दोषी इसमें नहीं, सीएम का चेहरा बदला जाएगा या नहीं, ये कोर कमेटी की बैठक के बाद सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समय की बेहद कमी है। संदीप चौधरी जी माफ करिएगा, आपके पास नहीं आ पाई, लेकिन क्या करें, जिस तरीके से उत्तराखंड में सियासी बवाल मचा हुआ है, लगातार अटकलें लगाई जा रही है कि शायद ऐसा हो सकता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाया जा सकता है, बदल दिया जाएगा। ये अटकलें अभी लगाई जा रही है, कोर कमेटी की बैठक के बाद क्लियर हो जाएंगी तस्वीरें। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज़।